हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन टू इनवर्टिब्रेट। और इस पार्ट में हम कुछ और जनरल करेक्टर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद सेल्स ऑर्गन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो एनिमल ग्रुप प्रोटोजोन में स्टिग्मा या फिर आई स्पॉट प्रेजेंट होता है इन द फ्लैजिलेट्स। स्पॉन्जेस में कोई डिस्टिंक्ट सेंसरी सेल प्रेजेंट नहीं होता। सिलेंट्रेट्स में डिस्टिंक्ट सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन बोथ द एपिडर्मिस एंड द गैस्ट्रोडर्मिस। इनमें ऑसिलाइज भी प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम सिंपल आई कह सकते हैं, जो कि फोटोरिसेप्शन का काम करते हैं। ऑल्फैक्टरी पिट फॉर द सेंस ऑफ स्मेल एंड द स्टेटोसिस्ट फॉर द इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट प्लेटीहेलमिंथिस में आइज प्रेजेंट होती है इन द प्लानेरिया। स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है कॉन्वोलाटा में। बट जब ये पैरासिटिक फॉर्म्स में होते हैं तो इनके जो सेंस ऑर्गन हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट एनिमल ग्रुप में एस्केहेलमिंथिस है, जिसमें पैपिले एम्फिड प्रेजेंट होते हैं, जो कि गैस्टेटरी होते हैं इन दी सेंस ऑर्गन, एंड फेजमिट्स जो कि एक्ट करते हैं एज ए कीमोरिसेप्टर। एनालिड्स में सिंपल आई प्रेजेंट होते हैं इन दी पॉलिकिट्स एंड लीच। टेंटेकल प्रेजेंट होते हैं जो कि टेंजर रिसेप्टर का काम करते हैं। बक्कल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्टेटरी इन फंक्शन होते हैं। अर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें बहुत सारे एनिमल इंक्लूड होते हैं। जो मेन करेक्टर है इनका, कंपाउंड आई प्रेजेंट होते हैं। तो कंपाउंड आई ओमिटीडिया के साथ प्रेजेंट होते हैं। ओमिटीडिया एक क्लस्टर ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल्स। तो इनमें जो कंपाउंड आइज हैं उनमें एक मोजाइक इमेज बनती है इंसेक्ट्स के केसेस में और क्रस्टेशंस में भी। इनमें कंपाउंड आई के साथ साथ सिंपल आई भी प्रेजेंट होती है, जो कि फोटोरिसेप्शन का काम करती हैं। स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल प्रॉन, जो कि इक्विलिब्रियम का काम करते हैं। एंटीने जो कि टैक्टाइल और ओल्फैक्टरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेंसिला इंसेक्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये सेंसिले एक ग्रुप ऑफ सेल ऑफ एपिडर्मिस होते हैं, जो कि हेयर लाइक या फिर रोड लाइक भी हो सकते हैं देयर शेप। मोलस्कंस ऑस्फेरेडियम प्रेजेंट होता है इनमें, जो कि कीमोरिसेप्टर की तरह एक्ट करता है, जो कि वाटर क्वालिटी को चेक करता है। कॉम्प्लेक्स आई प्रेजेंट होती है इन द सिफेलोपोड्स। एकाइनोडर्मा में जो टेंजर रिसेप्टर्स हैं, कीमोरिसेप्टर और फोटोरिसेप्टर्स हैं, वो पुअरली डेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है लार्वल फॉर्म ऑफ इनवर्टिब्रेट। तो जिन फाइलम्स में या जिन ऑर्गेनिज्म में लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है इन देयर लाइफ साइकिल, उन्हें हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो देखते हैं स्पॉन्जेस में पैरेन्काइमुला ल्यूकोसिलेनिया में, एम्फीब्लास्टुला स्काइफा में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है सिलेंट्रेट। जो कॉमन लार्वा है सिलेंट्रेट्स में वो है प्लैनुला लार्वा, बट साइफिस्टोमा और जो इफारिया लार्वा है जेलीफिश में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एनालिड्स। एनालिड्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इन द ओलिगोकीट एंड हीरोडिन्स। ओलिगोकीट एंड हीरोडिन्स कोई एनिमल्स के नाम नहीं है, ये क्लास है, एनालिडा की क्लास है, जिसमें अर्थवर्म और लीच आती है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है अर्थवर्म में और लीच में। ट्रोकोफोरा लार्वा पॉलीकिट्स में है, इसका मतलब कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है पॉलीकिट्स में। अर्थ्रोपोडा में बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसा कि आपको पहले बताया है ये लार्जेस्ट फाइलम है, तो इसमें लार्वल फॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा है। क्रस्टेशन में जोया, मेटाजोया, नेपिलस, साइप्रिस, माइसिस, फाइलोजोमा, एसेक्ट्रा लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होती है। इंसेक्ट्स में फर्दर मॉस्किटोज में रेगुलर लार्वा, हाउस फ्लाइज में मैगट्स, ड्रैगन फ्लाइज में नेड लार्वा, बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स में कैटरपिलर लार्वा प्रेजेंट होते हैं। बटरफ्लाई एंड मॉथ्स सिमिलर होते हैं, बट बटरफ्लाई और मॉथ्स में एक डिफरेंस है कि बटरफ्लाई दिन के समय में आपको दिखाई देंगे और मॉथ्स रात के समय में। बटरफ्लाई कलरफुल होते हैं, बट जो मॉथ्स हैं वो डल शेड्स की होती हैं।
तो इनमें सेम लार्वा है कैटरपिलर लार्वा, बीटल्स में ग्रब लार्वा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है मलस्कंस, काइटन में ट्रोकोफोरा लार्वा है, यूनियो में ग्लोचिडियम, स्कैफोर्ड्स में विलेजर लार्वा। मोलस्काज जो फाइलम है, दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन द इनवर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट है काइनोडर्म्स, डिफरेंट क्लासेस इंक्लूड है काइनोडर्म्स में, तो इसमें स्टारफिश है, इसमें बाइप्लेरिया लार्वा होगा, ब्रिटल स्टार में प्लूटियस लार्वा, सी अर्चिन में अकानोप्लूटस लार्वा और सी कुकुम्बर में ऑरिकुलेरिया लार्वा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो करेक्टर है वो है स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। सो प्रोटोजोन्स में लोरिका ऑफ सेल्युलोज प्लेट इन डायनोफ्लैजिलेट्स प्रेजेंट होती है, टेस्ट और शेल प्रेजेंट होती है आर्केसेला में, डिफ्यूजिया पॉलिस्टोमेला ग्लोबिनेरिया एसेक्ट्रा भी प्रेजेंट में भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है स्पॉन्जेस, जो एंडोस्केलेटन है स्पॉन्जेस का वो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, सिलिशियस स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स से बना होता है। इसी इन एंडोस्केलेटन के बेसिस पर ही स्पॉन्जेस की क्लासेस डिवाइड होती है। सिलेंट्रेट्स में पेरिसार्क प्रेजेंट होते हैं इन द ओबिलिया, सर्टुलेरिया इन दोनों में पेरिसार्क प्रेजेंट होगी, कैल्केरिया कैल्केरियस सिनोस्टम मिलीपोरा में प्रेजेंट होता है, कैल्केरियस और ब्रांच्ड कोरलम मैड्रिपोरा में प्रेजेंट होगा। फ्लैट वर्म्स या फिर हम इन्हें प्लैटी हेलमेंथिस भी बोल सकते हैं, फाइलम प्लैटी हेलमेंथिस को फ्लैट वर्म भी बोल सकते हैं। इनमें क्यूटिकुलर स्पैनल्स प्रेजेंट होंगे इन द फ्लूक। नेक्स्ट है निमेटोड्स, निमेटोड्स एस्के हेलमेंथिस में आते हैं, इनकी जो क्यूटिकल है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। नेक्स्ट ग्रुप है एनालिड्स, कोई स्पेशल मिनरलाइज स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, इनकी बॉडी थोड़ी सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट होगी। अर्थ्रोपोड्स में स्केलराइज्ड एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, काइटेनियस प्लेट्स का बना होता है वो, जिन्हें कि स्केलराइट्स बोलते हैं। जैसा आपने ग्रास हॉपर या कॉकरोच में देखा होगा, उनमें जो शेल एक्सोस्केलेटन है वो प्लेट्स की फॉर्म में अरेंज होता है। अगर हम इन इंसेक्ट्स के विंग्स रिमूव करके हम देखेंगे तो काइटेनियस प्लेट्स की अरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट है मोलस्कस, मोलस्कंस की स्पेशलिटी यही है कि ये कैल्केरियस या तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं या फिर इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर कैल्शियम की प्लेट बनी होंगी, शेल प्रेजेंट होगी। तो कैल्केरियस शेल प्रेजेंट होती है, उनके 1-2 या फिर ज़्यादा वाल भी हो सकते हैं जो कि कॉन्सिलिन के बने होंगे, कॉन्केलिन के बने होंगे। फॉर एग्जांपल जो कैल्केरियस सेल है, आपने पैक्टिन देखा होगा, सीपियाँ जैसी होती हैं, बाईवाल्ड होती हैं वो, तो पैक्टिन एक सीप का एग्जांपल है। नेक्स्ट है काइनोडर्म, जो अकाइनोडर्म्स होते हैं इनका जो नाम है वो रफ सरफेस की वजह से अकाइनोडर्म है, क्योंकि इनकी जो बॉडी है सरफेस है वो हाईली स्पाइनी होता है, तो इनमें जो स्पाइन है कैल्केरियस डर्मल ओसिकल प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जनरल करेक्टर ऑफ द इनवर्टिब्रेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।